हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, वेन डायग्राम। और ये है हमारा वेन डायग्राम का डे फर्स्ट। तो वेन डायग्राम में बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे आपको एक कोई भी रिलेशन दे देगा, जैसे दे देगा फादर, मदर और हस्बैंड, और नीचे आपको चार ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली वेन डायग्राम में पूछे जाते हैं। और जैसे ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन दिया जाएगा और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग सारे एग्जाम में वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा अभी पिछले मैं जितने भी लेक्चर का टॉपिक पढ़वाया हूँ, सब में मैं पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसी कॉन्सेप्ट का यूज आपके सारे क्वेश्चन में होता है। तो सेम तरीके से मैं भी वेन डायग्राम में आपको कुछ बेसिक चीज बताता हूँ, और जो फर्स्ट लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है और इसी पे आपके वेन डायग्राम के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो वेन डायग्राम में बेसिकली होता तीन तरीके, आपका ऑल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सभी। सेकंड होता है आपका सम, और थर्ड होता आपका नो, जिसे हम बोलते हैं कोई नहीं। जैसे ऑल का डायग्राम किस तरीके से बनता है, जैसे ये है ए और ये है क्या है आपका, आपका ये डायग्राम क्या ऑल, यानी सभी ए जो है वो है क्या है बी। इसमें हम कह सकते हैं ऑल ए आर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी बी ए हैं, तो हम कहेंगे नहीं, सभी बी ए नहीं है, इसमें सिर्फ ये जो ए वाला पार्ट है वही सारा क्या है बी के अंदर है। नेक्स्ट है सम। सम का डायग्राम क्या होता है इस तरीके से, यानी ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है आपका सम, और इसमें ये सारा पार्ट आपका क्या है ऑल। क्लियर है। और थर्ड है आपका नो, यानी एक्स का कोई भी रिलेशन वाई से नहीं है। क्लियर है। तो वेन डायग्राम में बेसिकली तीन बातें होती हैं, ऑल, सम, नो, और इसी पे सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये तो बात हो गई कि ये बेसिक तीन बातें होती हैं। अब जो आपसे ऑप्शन में दिया जाएगा, टोटल 10 टाइप के ऑप्शन होते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, देर आर 10 ऑप्शन यूज्ड इन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, और इसी 10 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन आपसे पूछा जाता है, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी 10 ऑप्शन के अंदर से होंगे। तो सबसे पहले एक एक करके मैं ऑप्शन लिख देता हूं कि क्या क्या ऑप्शन इसमें यूज होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका यानी यहाँ एक्स और वाई, वाई और जेड, और जेड और एक्स, एक्स और जेड। यहाँ देखिए एक्स और वाई में क्या है रिलेशन, किस तरीका के तरीके का रिलेशन है, ऑल का, यानी सभी एक्स क्या है आपके वाई। वाई और जेड में कैसा रिलेशन है, ऑल का, और एक्स और जेड में कैसा रिलेशन है, ऑल का। यानी इस तरीके का जब भी डायग्राम आते हैं तो किस तरीके का रिलेशन देता है, ऑल, ऑल और ऑल। सेकंड है आपका, एक मिनट, सेकंड डायग्राम पूछा जाता है, यहां देखिए x और y में कैसा रिलेशन, सम। y और z में कैसा रिलेशन, सम। और x और z में कैसा रिलेशन, x और z में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, नो no। यानी इस तरीके के जब भी डायग्राम आते हैं तो कैसा आउटपुट देता है, सम, सम और नो। थर्ड है आपका, x और y, y और जेड, जेड और एक्स, एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, सम। वाई और जेड में कैसा रिलेशन, सम, क्योंकि देखिए कुछ वाई आपके क्या है, जेड है, ये वाला पार्ट, ये।
कुछ वाई आपके क्या हैं, जेड हैं, कुछ एक्स, एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, ये, और एक्स और जेड में कैसा रिलेशन, ये, यानी सम। यानी इस तरीके का जब भी डायग्राम आएगा तो वो कैसा रिलेशन देगा, सम, सम और सम। फोर्थ है आपका एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, नो, क्योंकि एक्स और वाई में कुछ भी हमें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं दिख रहा है, वाई और जेड में नो, और एक्स और जेड में नो। यानी जब भी इस तरीके का डायग्राम आएगा वो क्या देगा, नो, नो और नो का रिलेशन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आप हमेशा तीन ही क्यों ले रहे हैं, तो एग्जाम में तीन ही रिलेशन पूछा जाता है, तीन से ज्यादा रिलेशन आपके नहीं देंगे। यहां देखिए x और y में कैसा रिलेशन, ऑल, y और z में कैसा रिलेशन, नो, x और z में कैसा रिलेशन, नो। यानी जब भी ये डायग्राम आएगा तो कैसा देगा, ऑल, नो, नो। नेक्स्ट x और y में कैसा रिलेशन, सम, y और z में कैसा रिलेशन, ऑल, क्योंकि सारे y क्या है, z के अंदर है, तो y और z में कैसा, ऑल, और x और z में कैसा रिलेशन, ऑल। यानी जब भी ये डायग्राम आएगा तो क्या देगा, सम, ऑल, ऑल। सिक्स्थ, x और y में कैसा रिलेशन, नो, y और z में कैसा रिलेशन, ऑल, x और z में कैसा रिलेशन, ऑल। नेक्स्ट x और y, y और z, x और z, x और y में कैसा रिलेशन, सम, y और z में कैसा रिलेशन, नो, एक्स और जेड में कैसा रिलेशन, नो। यानी जब भी ये डायग्राम आएगा कैसा रिलेशन देगा, सम, नो, नो, और यहां ये क्या आएगा, नो, ऑल, ऑल। नेक्स्ट एक्स और वाई, वाई और जेड, एक्स और जेड, एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, ऑल, y और z में कैसा रिलेशन, सम, x और z में कैसा रिलेशन, नो, सॉरी, x और z में कैसा रिलेशन, हाँ, यहां देखिए x और z, यानी इसको मैं अगर थोड़ा सा ये कर दूं, कम कर दूं, एक मिनट, हाँ, x और y में कैसा रिलेशन, ऑल, y और z में कैसा रिलेशन, सम, और x और z में कैसा रिलेशन, नो। यानी x का कोई भी पार्ट z से ये कनेक्टेड नहीं है, z का जो पार्ट कनेक्टेड है वो y से, z का जो पार्ट कनेक्टेड है वो y से है, इसलिए y और z में कैसा रिलेशन है, सम, लेकिन x का कोई भी पार्ट z से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, नो। तो जब भी ये डायग्राम आएगा तो किस तरीके का डायग्राम बनेगा, किस तरीके का आउटपुट देगा, ऑल, सम और नो। नेक्स्ट और है आपका, और ये है आपका जेड, तो एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, सम, सॉरी, एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, ऑल, क्योंकि सारा एक्स क्या है, y है, x और y में कैसा रिलेशन, ऑल, y और z में कैसा रिलेशन, सम, x और z में कैसा रिलेशन, सम। यानी जब भी ये डायग्राम आएगा तो कैसा रिलेशन देगा, ऑल, सम, सम। यानी ये इतने टाइप के डायग्राम हैं और इसी डायग्राम से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां देखिए, फर्स्ट है आपका एक्स और वाई, सारा एक्स क्या है, वाई के अंदर है, यानी एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, ऑल। वाई और जेड में कैसा रिलेशन, ऑल। एक्स और जेड में कैसा रिलेशन, ऑल। यानी जब भी ये डायग्राम आएगा तो कैसा रिलेशन देगा, ऑल ऑल ऑल। यहां देखिए एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, सम, क्योंकि एक्स का कुछ पार्ट वाई में है, तो एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, सम। वाई और जेड में कैसा रिलेशन, सम, और एक्स और जेड में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नो। थर्ड देखिए, एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, सम। वाई और जेड में, यानी ये वाला पार्ट वाई और जेड में कैसा रिलेशन, सम, और एक्स और जेड में कैसा रिलेशन, सम। क्लियर। थर्ड है आप, फोर्थ है आपका एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, नो। वाई और जेड में, नो। एक्स और जेड में, नो। यहां देखिए फोर, एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, ऑल। वाई और जेड में कैसा रिलेशन, नो। एक्स और जेड में कैसा रिलेशन, नो। यहां फिफ्थ, एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, सम। वाई और जेड में कैसा रिलेशन, ऑल, क्योंकि वाई का सारा पार्ट जो है वह इस बड़े जेड के अंदर है। वाई का सारा पार्ट क्या है, इस बड़े जेड के अंदर है, तो वाई और जेड में कैसा रिलेशन, ऑल, और एक्स और जेड में कैसा रिलेशन, ऑल। नेक्स्ट, एक्स और वाई में, नो। वाई और जेड में, ऑल। एक्स और जेड में, ऑल। नेक्स्ट है एक्स और वाई में कैसा, सम। वाई और जेड में, नो। एक्स और जेड में, नो। एक और लिख लीजिएगा, टेंथ यहां हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, सम। वाई और जेड में कैसा रिलेशन, नो। एक्स और जेड में कैसा रिलेशन, नो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, ऑल। वाई और जेड में कैसा रिलेशन, सम, और एक्स और जेड में कैसा रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो आंसर होगा नो। नाइन्थ है एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, सारा एक्स क्या है, वाई के अंदर है। देख, ये डायग्राम इस तरीके से है, मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूं, और ये सारा क्या है, वाई है, और ये क्या है आपका, जेड है। तो x और y में कैसा रिलेशन, ऑल, क्योंकि सारा x क्या है, y है। x और y में कैसा रिलेशन, ऑल। y और z में कैसा रिलेशन, सम, और x और z में कैसा रिलेशन, सम। तो ये टोटल 10 टाइप के डायग्राम हैं, जिसके अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक एक कर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ, ऑल का, सम का और नो का। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ ऑल के लिए, बस आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैन और फादर, फ्रूट एप्पल। थर्ड है आपका फादर, हस्बैंड, और फोर है आपका वाइफ और वुमेन। यानी ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके ऑल के। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, जैसे मैन है और फादर है, तो अगर हम मैन से फादर की ओर आए तो आपको करना क्या है कि आपको जो रिलेशन देखना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से रिलेशन देखना है, और दोनों साइड में कहीं भी अगर ऑल आ जाए तो प्रिफरेंस देना है ऑल का। तो अगर हम मैन से फादर की ओर जाए तो क्या सभी मैन फादर हैं, नहीं, तो हम कह सकते हैं सम मैन आर फादर। सम का जो ऑल जो होता है वो 100% होता है, सम जो होगा वह 1 से 99% है, और नो का मतलब है कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी ये भी 100% होना चाहिए, ठीक है। यानी ऑल 100% पॉसिबिलिटी है, सम क्या है 1 से 99 के बीच में पॉसिबिलिटी है, और नो का क्या है 100% है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम मैन से फादर की ओर जाएं तो क्या सभी मैन फादर हैं, नहीं, हम कह सकते हैं कि सभी मैन फादर नहीं है, लेकिन सम मैन आर फादर है। और अगर हम बैकवर्ड देखें तो क्या सभी फादर मैन है, तो हम कह सकते हैं हाँ सभी फादर मैन है।
तो सेम टाइम पे आपको जो रिलेशन देखना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और दोनों में से किसी एक भी साइड भी अगर ऑल आए तो प्रेफरेंस मिलता है ऑल को। यानी सेम टाइम पे सम भी सही है और ऑल भी सही है, लेकिन अगर दोनों टाइम दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कहीं भी अगर ऑल आए तो प्रेफरेंस देना है ऑल को। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑल। यानी हम कह सकते हैं ऑल फादर आर मैन। तो इसका डायग्राम ये बनेगा। क्लियर है? सेकंड, फ्रूट और एप्पल। अगर हम फ्रूट एप्पल की ओर आए तो क्या सभी फ्रूट एप्पल हैं? तो हम कहेंगे नहीं, सम फ्रूट आर एप्पल। लेकिन अगर हम एप्पल से फ्रूट की ओर आए रिवर्स डायरेक्शन में, तो क्या सभी एप्पल फ्रूट हैं? तो हम कहेंगे हाँ, सभी एप्पल फ्रूट हैं। और सेम टाइम पे कहीं भी अगर ऑल आए तो प्रिफरेंस किसको देना है? ऑल को। यानी अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऑल एप्पल आर फ्रूट। क्लियर है? थर्ड कह रहा है आपको फादर और हस्बैंड। क्या सभी फादर हस्बैंड हैं? तो हम कहेंगे नहीं, सम फादर आर हस्बैंड। लेकिन सॉरी, अगर फादर से हस्बैंड की ओर आए तो ये आपका होगा ऑल फादर आर हस्बैंड। सभी जो फादर हैं वो क्या हैं? हस्बैंड हैं। लेकिन अगर हस्बैंड से हम फादर की ओर आए तो हम कहेंगे सम हस्बैंड आर फादर। और सेम टाइम पे कहीं भी अगर ऑल आए तो प्रेफरेंस देना है ऑल को। तो ऑल फादर आर हस्बैंड, इसका डायग्राम ये होगा। फोर्थ भी सेम वे में वाइफ और वुमेन है। तो अगर वाइफ से वुमेन की ओर आए तो ऑल वाइफ आर वुमेन। और यहां अगर वुमेन से वाइफ की ओर आए तो हम कह सकते हैं सम वुमेन आर वाइफ। और सेम टाइम पे कहीं भी अगर ऑल आए तो प्रेफरेंस किसको देना है? ऑल को। तो हम कह सकते हैं ऑल वाइफ आर वुमेन। क्लियर है? यानी ऑल समझ में आया आपको? प्रेफरेंस जब भी आपको क्वेश्चन आए तो रिलेशन आपको दोनों साइड से देखना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और दोनों साइड में कहीं भी अगर एक साइड भी अगर ऑल आए तो प्रेफरेंस किसको देना है? ऑल को। क्लियर है? क्लियर है? जैसे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं एनिमल और डॉग। अगर एनिमल से डॉग की ओर आए तो क्या सभी एनिमल डॉग हैं? तो हम कह सकते हैं नहीं, सम एनिमल आर डॉग। और अगर डॉग से हम एनिमल की ओर आए तो हम कह सकते हैं ऑल डॉग आर एनिमल। और सेम टाइम पे कहीं भी ऑल आए तो प्रेफरेंस किसको देना है? ऑल को। तो आपका जो डायग्राम बनेगा ऑल डॉग आर एनिमल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, रेन से वाटर की ओर आए। तो अगर हम रेन से वाटर की ओर जाएं तो ऑल रेन आर वाटर, सभी रेन से बारिश होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल। और वाटर से रेन की ओर आए तो सम। जरूरी नहीं है कि जो बारिश जो पानी होगा वो बारिश का ही पानी होगा। और सेम टाइम पे कहीं भी अगर ऑल आए तो प्रेफरेंस किसको देना है? ऑल को। यानी हम कह सकते हैं ऑल रेन आर वाटर। क्लियर? नेक्स्ट, टेबल और फर्नीचर। अगर टेबल से फर्नीचर की ओर आए तो क्या ऑल टेबल आर फर्नीचर? तो हम कह सकते हैं हाँ, ऑल टेबल आर फर्नीचर। अगर हम फर्नीचर से टेबल की ओर आए तो सम फर्नीचर आर टेबल। और सेम टाइम पे कहीं भी अगर दो रिलेशन में ऑल आए तो प्रेफरेंस ऑल को देना है। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑल टेबल आर फर्नीचर। क्लियर है? तो ये थे ऑल के कुछ एग्जाम्पल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका सम का, कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। सम में दोनों साइड से क्या होता है? सम ही होता है। जैसे फर्स्ट है आपका टीचर और मैन। अब देखिए, टीचर से मैन की ओर आए तो क्या सभी टीचर मैन हैं? तो टीचर मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। तो हम कह सकते हैं नहीं, ऑल टीचर आर नॉट मैन बट सम टीचर आर मैन। क्लियर है? अगर हम मैन से टीचर की ओर आए तो क्या सभी मेन टीचर हैं? तो हम आंसर कहेंगे नहीं, सभी मेन टीचर नहीं है। तो सम में दोनों साइड से सम ही आता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डायग्राम कैसे बनेगा? सम टीचर आर मेन। दूसरा, वुमेन डॉक्टर। तो वुमेन से डॉक्टर की ओर आए तो फिर से वही बात, सम वुमेन और डॉक्टर। और डॉक्टर से वुमेन की ओर आए
तो सम डॉक्टर आर वुमेन, क्योंकि डॉक्टर मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वुमेन और डॉक्टर। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड। इंजीनियर और टीचर। इंजीनियर से टीचर की ओर आए तो सम इंजीनियर आर टीचर, और टीचर से इंजीनियर की ओर आए तो सम टीचर आर इंजीनियर। तो सम में क्या होता है, दोनों साइड से सम ही होता है, तो हम आंसर कर सकते हैं सम इंजीनियर आर टीचर या सम टीचर आर इंजीनियर। ध्यान रखिएगा, रिलेशन आपको दोनों साइड से देखना है, कोई भी एक्सप्रेशन दे दे, आपको रिलेशन दोनों साइड से देखना है, और दोनों साइड में किसी एक साइड भी अगर ऑल आए तो प्रिफरेंस ऑल को देते हैं, अगर दोनों साइड सम आए तो प्रिफरेंस हम सम को देते हैं। एक और है, बॉयज और स्टूडेंट। अगर बॉयज से स्टूडेंट की ओर आए तो सम बॉयज आर स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट में मेल फीमेल दोनों होते हैं, और स्टूडेंट से बॉयज की ओर आए तो सम स्टूडेंट आर बॉयज। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ होगा बॉयज, सम बॉयज आर स्टूडेंट। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके सम के। अब नो के, यानी नो वैसे रिलेशन में आता है जहां दूर दूर तक एक दूसरे से कोई भी रिलेशन ना हो, कोई भी इंटरकनेक्शन ना हो। जैसे फर्स्ट है आपका चेयर और टेबल। क्या चेयर और टेबल में कोई रिलेशन है? तो हम कह सकते हैं नहीं, चेयर और टेबल में कोई भी रिलेशन नहीं है। चेयर और टेबल, चेयर और टेबल, अगर यही रहता है फर्नीचर, तो हम कह सकते कि सम ऑल चेयर आर फर्नीचर बट सम फर्नीचर आर चेयर, लेकिन फिलहाल यहाँ चेयर और टेबल दिया है तो चेयर और टेबल में कोई भी रिलेशन नहीं है। सेम वे में एप्पल और मैंगो, यानी दोनों में क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है और ना ही कोई भी मैंगो एप्पल है। थर्ड है आपका मेल फीमेल, तो कैसा रिलेशन, नो का, मेल और फीमेल में कैसा रिलेशन, नो का। और ब्रदर एंड सिस्टर, तो कोई भी ब्रदर सिस्टर नहीं है और कोई भी सिस्टर ब्रदर नहीं है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ऑल कहाँ लगाना है, सम को कहाँ लगाना है और नो को कहाँ लगाना है। क्लियर है? अब देखिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तो एग्जाम में मान लेते हैं फर्स्ट है आपका टेबल, चेयर और फर्नीचर दिया हुआ है, और आपको ऑप्शन किस तरीके से दिया जाएगा, कोई भी चार ऑप्शन दे देगा, जैसे ऑप्शन आपके पास है यानी क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा, एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको कौन सा ऑप्शन सही है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऊपर मैं 10 ऑप्शन बताया हूँ, 100% उसी के अंदर से होंगे। अब जब ये इस तरीके का डायग्राम आता है तो आपको पता ही है कि क्या हो, ये मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। यानी एक्स और वाई में जब भी ये डायग्राम आता है तो कैसा रिलेशन देता है, एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, ऑल, वाई और जेड में नो, एक्स और जेड में नो। जब भी ये डायग्राम आएगा तो कैसा रिलेशन देगा, एक्स और वाई में नो, एक्स और जेड में ऑल, वाई और जेड में ऑल। यानी जब भी ये डायग्राम आता है तो कैसा रिलेशन देगा, ऑल ऑल नो। जब भी ये डायग्राम इस तरीके से आएगा तो एक्स और वाई में सम, वाई और जेड में सम और एक्स और जेड में नो। और फोर्थ में एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, सम, वाई और जेड में सम, एक्स और जेड में सम। यानी जब भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाए तो ऑप्शन जो आपको दिया जाएगा उसके पहले आप रिलेशन लिख लीजिएगा। अब इसमें करना क्या है, आपको दो दो रिलेशन कर कर देखना है। पहले टेबल और चेयर में हम रिलेशन देखेंगे, फिर चेयर और
फर्नीचर में रिलेशन देखेंगे, फिर टेबल और फर्नीचर में रिलेशन देखेंगे। तो टेबल से चेयर की ओर गए तो क्या सभी टेबल चेयर हैं, क्या सभी चेयर टेबल हैं? तो हमने अभी जस्ट ऊपर बताया है कि जब भी टेबल और चेबल आएगा, टेबल और चेयर आएगा तो उसमें रिलेशन कैसा होगा? नो का, ठीक है। चेयर और फर्नीचर, अगर चेयर से फर्नीचर की ओर आए तो ऑल चेयर आर फर्नीचर, यानी चेयर और फर्नीचर में कैसा रिलेशन? ऑल। और टेबल और फर्नीचर में कैसा रिलेशन? टेबल और फर्नीचर में कैसा रिलेशन? ऑल। यानी ये हमारे पास क्या आ गया? ऑल ऑल नो। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ है ऑल ऑल नो, तो ये है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्लियर है? अगर इसका आप डायग्राम बनाना चाहें तो आप बना सकते हो, यानी क्या हो जाएगा? टेबल, चेयर और इसको क्या करेगा कवर? फर्नीचर। टेबल और चेयर में कैसा रिलेशन? नो। टेबल और फर्नीचर में कैसा रिलेशन? ऑल। चेयर और फर्नीचर में कैसा रिलेशन? ऑल। यानी ये आपका आ गया नो ऑल ऑल। यानी करना क्या है आपको? रिलेशन देखना है फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, और इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए। दूसरा कह रहा है रेन, वाटर और लेक, तो फिर से वही काम करना क्या है आपको? फर्स्ट और सेकंड में रेन और वाटर में कैसा रिलेशन? ऑल। वाटर और लेक में कैसा रिलेशन? वाटर और लेक में ऑल, क्योंकि जो भी लेक होंगे उसमें वाटर होंगे, हाँ या ना? तो ऑल। और रेन और लेक में कैसा रिलेशन? नो। रेन और लेक में कैसा रिलेशन? नो। यानी आंसर क्या आ जाएगा आपको अगर डायग्राम बनाना चाहें तो? रेल, लेक और वाटर। यानी रेल और लेक में कैसा रिलेशन? नो। लेक और वाटर में कैसा रिलेशन? लेक और वाटर में कैसा रिलेशन? ऑल। रेल और लेक में कैसा रिलेशन? नो। लेक और वाटर में कैसा रिलेशन? ऑल। ऑल। रेन और वाटर में कैसा रिलेशन? ऑल। यानी दो ऑल और एक नो। क्लियर है? थर्ड देखते हैं, कैट्स, पैट्स और डॉग्स। कैट और पैट में कैसा रिलेशन? सम। कैट और पैट में कैसा रिलेशन? सम। पैट और डॉग में कैसा रिलेशन? सम। कैट और डॉग में कैसा रिलेशन? नो। तो इसका डायग्राम जो बनेगा, कैट और पैट में कैसा रिलेशन? सम। पैट और डॉग में कैसा रिलेशन? सम। कैट और डॉग में कैसा रिलेशन? नो। यानी जब भी ये आएगा तो इस तरीके का डायग्राम देगा, क्या देगा? सम, सम, नो। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आउटपुट निकाल रहा हूं, जो भी आंसर मैं निकाल रहा हूं, वो उसी 10 ऑप्शन में होगा जो मैंने आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट, इंडिया, जयपुर और राजस्थान। अब बताइए, इंडिया और जयपुर, यानी अगर इंडिया से जयपुर की ओर आएंगे तो क्या होगा? सम। और जयपुर से इंडिया की ओर आएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर जयपुर है, और इंडिया और जयपुर में कैसा रिलेशन होगा? सम। और जयपुर से इंडिया के अंदर आएंगे तो ऑल, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें एक जयपुर है, तो इंडिया से जयपुर की ओर जाएंगे तो सम, लेकिन जो जयपुर है वो इंडिया के ही अंदर है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। जयपुर और राजस्थान के अंदर क्या हो जाएगा? जयपुर और राजस्थान के अंदर हो जाएगा ऑल। क्यों? क्योंकि जयपुर राजस्थान स्टेट के अंदर है, और इंडिया और राजस्थान में क्या हो जाएगा? ऑल। यानी जब भी ये डायग्राम आएंगे तो क्या होगा? ऑल ऑल ऑल। फिर से समझिए, जयपुर राजस्थान के सॉरी जयपुर इंडिया के अंदर इसलिए ऑल, फिर जयपुर राजस्थान के अंदर इसलिए ऑल, फिर राजस्थान इंडिया के अंदर इसलिए ऑल। नेक्स्ट, वुमेन, वाइफ और मदर। वुमेन से वाइफ की ओर आए तो क्या सभी वुमेन वाइफ हैं? नहीं, हम कह सकते हैं सम। वाइफ से वुमेन की ओर आए तो जो भी वाइफ होंगी वो वुमेन ही होंगी,
यानी वुमेन और वाइफ में कैसा रिलेशन, ऑल, ठीक है। वाइफ और मदर में कैसा रिलेशन, वाइफ से मदर की ओर आए तो सम, मदर से वाइफ की ओर आए तो ऑल, और वुमेन से मदर की ओर आए तो सम, लेकिन मदर से वुमेन की ओर आए तो ऑल, यानी जो भी मदर होंगी वो वुमेन की वुमेन ही होंगी। तो ये आंसर आपका क्या आएगा, ऑल ऑल ऑल। नेक्स्ट, मैन हस्बैंड फादर, मैन से हस्बैंड की ओर आए तो सम मैन आर हस्बैंड, लेकिन हस्बैंड से मैन की ओर आए तो ऑल हस्बैंड आर मैन, यानी मैन और हस्बैंड में कैसा रिलेशन, ऑल, हस्बैंड और फादर में ऑल, क्योंकि सभी फादर हस्बैंड होंगे, मैन से फादर की ओर ऑल, यानी जो भी फादर होंगे वो मैन होंगे, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑल ऑल ऑल। नेक्स्ट, शर्ट टाई पैंट, शर्ट और टाई में कैसा रिलेशन, नो, टाई और पैंट में कैसा रिलेशन, नो, शर्ट और पैंट में कैसा रिलेशन, नो, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो नो नो। नेक्स्ट, कैट डॉग पैरट, कैट और डॉग में कैसा रिलेशन, नो, डॉग और पैरट में कैसा रिलेशन, नो, कैट और पैरट में कैसा रिलेशन, नो, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो नो नो। चलिए नेक्स्ट, इंजीनियर बॉयज और सिंगर, इंजीनियर और बॉयज में कैसा रिलेशन, सम, क्योंकि इंजीनियर एक ऐसा वर्ड है जिसमें बॉय और गर्ल दोनों आते हैं, तो इंजीनियर और बॉयज में सम, बॉयज और सिंगर में सम, इंजीनियर और सिंगर में सम, क्योंकि हो सकते हैं कुछ इंजीनियर सिंगर या कुछ सिंगर इंजीनियर, यानी ये क्या आ जाएगा, सम सम सम। नेक्स्ट, टीचर वुमेन इंजीनियर, टीचर और वुमेन में सम, वुमेन और इंजीनियर में सम, टीचर और इंजीनियर में सम, यानी आंसर क्या आ जाएगा, सम सम सम। नेक्स्ट, सिस्टर वाइफ टीचर, सिस्टर और वाइफ में क्या हो जाएगा, देखिए अब यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, सिस्टर और वाइफ में अगर आप देखें तो अगर हम सिस्टर से वाइफ की ओर जाएं, सिस्टर से वाइफ की ओर जाएं, तो हो सकता है जो भी सिस्टर होंगी वो किसी ना किसी की वाइफ होंगी, हाँ या ना, और जो भी वाइफ होंगी वो किसी ना किसी की सिस्टर होंगी, लेकिन हम 100% ये नहीं कह सकते कि जो भी वाइफ होंगी वो 100% किसी की सिस्टर ही होंगी, क्लियर है। तो सिस्टर और वाइफ में कैसा रिलेशन, अगर हम सिस्टर सिस्टर से वाइफ की ओर जाएं तो सम, क्योंकि हो सकती है अगर किसी की बहन हो तो हो सकता है उसकी शादी नहीं हुई हो तो वाइफ नहीं हो सकती, यानी ऑल तो होगा नहीं अगर सिस्टर से वाइफ की ओर आए, और जो वाइफ है तो ये भी जरूरी नहीं है किसी न किसी की सिस्टर ही होगी, यानी दोनों साइड से यहाँ क्या होगा, सम, यानी सिस्टर और वाइफ में कैसा रिलेशन, सम। सेम वे में वाइफ से टीचर में भी क्या होगा, सम, और सिस्टर से टीचर में भी क्या होगा, सम। ऑल वही आता है जहां 100% सियोरिटी हो, जहां 1 से 99% तक पॉसिबिलिटी होगा वहां सम ही आएगा, ऑल जहां भी होगा वहां 100% होना चाहिए, इस केस में कहीं भी 100% नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो भी सिस्टर होंगी किसी न किसी की वाइफ ही होंगी, या जो भी वाइफ होंगी किसी न किसी की सिस्टर ही होंगी, ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए दोनों साइड से क्या आया है, सम, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम सम सम। नेक्स्ट, डॉक्टर सिंगर डांसर,
यानी डॉक्टर से सिंगर की ओर जाएं तो हो सकता है कुछ डॉक्टर सिंगर होंगे या कुछ सिंगर डॉक्टर होंगे। सिंगर और डांसर में भी क्या होगा सम, और डॉक्टर और डांसर में भी क्या होगा सम, यानी जब भी ये आएगा तो क्या देगा सम सम सम। नेक्स्ट इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर, यहां इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा। इंजीनियर और डॉक्टर में कैसा रिलेशन? नो, क्योंकि कोई भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकता और कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ डॉक्टर टीचर हो सकते हैं और कुछ टीचर डॉक्टर भी हो सकते हैं, और कुछ इंजीनियर टीचर भी हो सकते हैं और कुछ टीचर इंजीनियर भी हो सकते हैं, यानी आंसर इसका क्या आएगा नो सम सम। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो डॉक्टर टीचर इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर में कैसा रिलेशन सम, डॉक्टर और टीचर में कैसा रिलेशन सम, टीचर और इंजीनियर में कैसा रिलेशन टीचर और इंजीनियर में सम, और डॉक्टर और इंजीनियर में नो। नेक्स्ट हस्बैंड वाइफ फैमिली, हस्बैंड और वाइफ में कैसा रिलेशन नो, वाइफ और फैमिली, अब देखिए फैमिली कंपैरिजन हो रहा है, इसमें बड़ा कौन है फैमिली, यानी वाइफ जो होंगी वो फैमिली के अंदर होंगी, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑल, और हस्बैंड भी फैमिली के अंदर होगा यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑल, यानी इसमें क्या आ जाएगा ऑल ऑल नो। नेक्स्ट ब्रदर सिस्टर मैन, यानी ब्रदर और सिस्टर में कैसा रिलेशन, ब्रदर और सिस्टर नो, सिस्टर और मैन में नो, और ब्रदर और मैन में जो भी ब्रदर होंगे वो मैन ही होंगे, यानी ये क्या हो जाएगा ऑल, यानी आंसर क्या आ जाएगा ऑल नो नो। नेक्स्ट फीमेल मदर और चिल्ड्रन, अच्छा फीमेल और मदर में क्या होगा ऑल, यानी जो भी मदर होंगी वो फीमेल होगी, मदर और चिल्ड्रन में क्या होगा नो, यानी कोई भी मदर चिल्ड्रन नहीं है और कोई भी चिल्ड्रन मदर नहीं है, फीमेल और चिल्ड्रन में क्या होगा सम, क्योंकि चिल्ड्रन मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल सम नो। नेक्स्ट प्लैनेट जुपिटर और मून, प्लैनेट और जुपिटर के अंदर यानी जुपिटर प्लैनेट के अंदर यानी ऑल, जुपिटर और मून के अंदर यानी नो, और मून और प्लैनेट यानी मून क्या है प्लैनेट नहीं है सैटेलाइट है, यानी मून और प्लैनेट में कैसा नो, यानी आंसर क्या आ जाएगा ऑल नो नो। नेक्स्ट टीचर ग्रेजुएट वुमेन, यानी टीचर और ग्रेजुएट में कैसा रिलेशन सम, अब आपको लग रहा होगा कि सर जो टीचर होगा वो ग्रेजुएट ही होगा, ऐसा नहीं है, अगर कोई बच्चा ट्वेल्थ में है और वो सिक्स या सेवेंथ क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो भी तो टीचर ही होगा, तो वो जरूरी नहीं कि ग्रेजुएट ही होगा, यानी टीचर और ग्रेजुएट में कैसा रिलेशन सम, ग्रेजुएट और वुमेन में कैसा रिलेशन सम, टीचर और वुमेन में कैसा रिलेशन सम, यानी जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा सम सम सम। तो ये था आपका वेन डायग्राम, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको करना क्या है जब भी रिलेशन दिया जाए तो आप फर्स्ट और सेकंड में देखिए, फिर सेकंड और थर्ड में देखिए, फिर फर्स्ट और थर्ड में देखिए, इस तरीके से रिलेशन को ब्रेक कर बनाइएगा तो सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।